Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, can और could के बारे में आपने तो सुना ही होगा. Can क्या होता है और could क्या होता है. Okay friends, तो आज की क्लास में हम वही चीज़ सीखेंगे. So, let's start the class of the day. Friends, सबसे पहले हम पिछली क्लास में दिए गए sentences के answer देख लेते हैं. Okay friends, तो ये रहा पिछली क्लास में दिए गए sentences के answer, English अनुवाद. अगर आपने बनाया है तो इसे मैच करके जहाँ पर भी गलतियाँ हैं वहाँ पर आप सुधार लीजिए. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं. बहुत ही ईजी चीज़ है जो सभी लोग लगभग जानते ही हैं कैन और कूड क्या होता है, बट इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं लोग. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन आपको समझ में आ गया कि हाँ इसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए कूड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक दिन प्रैक्टिस के द्वारा ही अच्छी तरह से इसको सीख पाएंगे और इसको इस्तेमाल में ला पाएंगे. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि वह दौड़ सकता है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है. वह दौड़ सका, ये दूसरा सेंटेंस लिखा है. तो जिसमें भी सकता, सकती, सकते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, वह दौड़ सकता है, सकती है, तो उसमें हम कैन लगा कर बनाएंगे. और जिसमें सका, सके, सकी आएगा लास्ट में, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो उसमें हम कूड लगा कर बनाते हैं. ओके फ्रेंड्स, या सकता था, वह दौड़ सकता था, या वह दौड़ सका, ऐसे भी हम बोलते हैं. बट हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम समझते हैं कि वो सका बोल रहा है कि सकता था बोल रहा है. ओके फ्रेंड्स, समझ में आ जाता है. बट यहाँ पर हम सका सकी लेते हैं कि जब सकता है, सकती है तो कैन, जब सका, सके, सकी तो कूड. ओके फ्रेंड्स, वह दौड़ सकता है, ही कैन रन. अब यहाँ पर वह दौड़ सका, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ कैन का पास्ट कूड हो जाएगा, ही कूड रन. अब यहाँ पर वह दौड़ सका का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे कि अब दौड़ सका, ऐसा कब बोला जाता है. तो वह दौड़ सका का मतलब कि वो दौड़ पाया, यानी कि दौड़ने में समर्थ हो पाया, ये होता है इसका मतलब. तो हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो दौड़ सका, वो नहीं दौड़ सका, वो नहीं आ सका, मैं कल नहीं जा सका, ऐसा बोलते हैं ना, या मैं कल नहीं जा पाया. इसको हम पाया भी बोल सकते हैं, जैसे कि वह दौड़ पाया या वह दौड़ सका, दोनों एक ही हो गया. ओके फ्रेंड्स, अभी नेगेटिव बनाते हैं. वह नहीं दौड़ सका, सिंपल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा. और जब भी हम कैन के बाद नॉट लिखते हैं तो कैन नॉट साथ में लिखते हैं फ्रेंड, अलग अलग नहीं लिखते हैं. या तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं कांट. ओके फ्रेंड्स, ही कैन नॉट रन, यहाँ पर ही कुड नॉट हो जाएगा, ही कुड नॉट रन. अगर शॉर्ट फॉर्म आप लिखना चाहते हैं तो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट हो जाएगा और कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म कुडंट हो जाएगा. तो यहाँ पर ही कांट रन, यहाँ पर ही कुडंट रन. ओके फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मैं हर क्लास में बताता हूँ आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में. तो कैन हेल्पिंग वर्ब, इसका कैन है तो कैन ही रन, यहाँ पर कूड है तो कूड ही रन. ओके फ्रेंड्स, क्या वह दौड़ सका, वह कैसे दौड़ सकता है, क्वेश्चन वर्ड हो गया. तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे हम हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद सब्जेक्ट ही. हाउ कैन ही रन, वह कैसे दौड़ सका, तो हाउ कूड ही रन. ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है. कैन में थोड़ी सी बात ये समझने वाली है कि मैं जा सकता हूँ. अगर इसको हम सेंटेंस को बोलते हैं कि मैं जा सकता हूँ, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं कि आई मे गो और आई कैन गो, दोनों में फर्क होता है. ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम जा सकते हो, यू कैन गो और यू मे गो, दोनों बोल सकते हैं बट अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होता है. ठीक है फ्रेंड्स, कैन का मतलब होता है सामर्थ्य बताना, एबिलिटी बताना, कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये करने की एबिलिटी है, सामर्थ्यता है. ओके फ्रेंड्स, और मैं सामर्थ्य नहीं बताता है, वो तो आज्ञा या जैसे हम किसी से अनुमति लेते हैं
या अनुमति देते हैं तो उसमें मैं का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम संभावना के साथ बात कर रहे हैं तो मैं का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मैं के बारे में, बट अभी कैन के बारे में अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कैन का इस्तेमाल सिर्फ एबिलिटी के लिए होता है, यानी कि हम अपनी काबिलियत बताते हैं कि मेरे अंदर एक काबिलियत है करने की, जैसे मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, ये मुझमें काबिलियत है चढ़ने की। ओके फ्रेंड्स, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ तो मुझमें अंग्रेज़ी बोलने की काबिलियत है, इसलिए हम कैन लगाते हैं यहाँ पर। कैन का मतलब ये होता है कि एबिलिटी को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम और कुछ प्रैक्टिस करते हैं कैन से और कुड से। ओके फ्रेंड्स, वह मेरी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प मी। वह मेरी मदद कर सका, यानी कि वह मेरी मदद कर पाया, तो ही कुड हेल्प मी। वे लोग मुंबई जा सकते हैं, दे कैन गो टू मुंबई। वे लोग मुंबई जा सके, दे कुड गो टू मुंबई। तुम उसके साथ आ सके, यू कुड कम विथ हिम। वे लोग खड्डा नहीं खोद सकते हैं, दे कैन नॉट डिग अ पिट। वे लोग नदी नहीं पार कर सके, दे कुड नॉट क्रॉस द रिवर। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कांट हेल्प यू, या आई कैन नॉट हेल्प यू, दोनों में से कोई भी, यानी कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट होता है। ओके फ्रेंड्स, वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, या वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। ही कुडंट क्लाइम ऑन द ट्री, ही कुडंट क्लाइम ऑफ द ट्री। ओके फ्रेंड्स, मैं तुम्हारी बुक नहीं ला सका, आई कुडंट ब्रिंग योर बुक। क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, कैन यू डू समथिंग फॉर हिम। क्या वे लोग मेरे घर आ सकते हैं, कैन दे कम टू माई हाउस। क्या तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन योर फादर स्पीक इंग्लिश। क्या तुम साइकिल नहीं चला सकते हो, कांट यू राइड द साइकिल। कांट या कैन नॉट, ओके फ्रेंड्स, कांट इज द शॉर्ट फॉर्म, तो कांट यू राइड बाइसिकल। वह देख नहीं सकता है, ही कैन नॉट सी। क्या तुम मुझे हरा सकते हो, कैन यू डिफीट मी। मैं किसी को नहीं हरा सकता हूँ, आई कैन नॉट डिफीट एनी वन। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस। तुम ऐसा कैसे कर सके, हाउ कुड यू डू दिस। एक ग्लास पानी कौन ला सकता है, हु कैन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दरवाज़ा कौन खोल सकता है, हु कैन ओपन द डोर। वह क्यों नहीं आ सका, वाई कुड ही नॉट कम। तुम वहाँ क्यों नहीं जा सके, वाई कुड यू नॉट गो देयर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, क्रिएट कीजिए सेंटेंसेस और प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो मैं होमवर्क देता ही हूँ, उस होमवर्क से आप सेंटेंसेस इंग्लिश में अनुवाद कीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखते हैं आज के लिए होमवर्क, ये रहा आज के लिए होमवर्क, और इसे आप समझ कर अच्छी तरह से बनाइए कि कहाँ कैन लगाना है और कहाँ कुड लगाना है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और वीडियो वैसे लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी अभी आपने हमारा चैनल खोला है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।